हेलो एवरीवन, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 3.5। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने इनको फैक्टराइज करना है और इनको फैक्टराइज करने के लिए जो रिजल्ट आपके पास यूज होंगे दोज विल बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। जो आपको क्वेश्चन नंबर 9 में प्रूव करने के लिए रिजल्ट दिए गए थे वही रिजल्ट आपने यहाँ पे 10th क्वेश्चन में यूज करके इनको फैक्टराइज करना है। तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले जो आपको देने का उसको लिखो 27y³ + 125z³। अब आप इसको ले सकते हो 27 को 3 का क्यूब और y³ को y का क्यूब, मीन्स 3y³ = 27y³ + 125z³ लिखने आपने, तो आप ले सकते हो ऐसे 5z³। नाउ अब इस रिजल्ट को यूज करना है आपने, जो 9th क्वेश्चन में आपने प्रूव किया है x³ + y³ = x + y। अब यहाँ पे x 0y एंड जो y वहाँ यहाँ पे दैट इज 5z, तो x की जगह पे आएगा 3y + 5z। देन x² मीन्स 3y² माइनस xy 3y × 5z और साथ में क्या आ रहा है y² + y² = 5z². इसको सॉल्व करोगे दिस विल बी 3 5y + 5z और यहां से आएगा 9y² - 15yz + 25z². यहाँ पे कैसे आ रही, आपने यहाँ पे रिजल्ट मेंशन करना है यार, बिकॉज x³ + y³ = जो रिजल्ट है आपके पास वो रिजल्ट आपने यहाँ पे लिखना है, उसके बाद ये स्टेप पे करना है। तो यहाँ से आपने क्या लिख देना है 3y + 5z × 9y², ये स्केलिंग वाली टर्म्स आगे कर दी इकट्ठी, इसको पीछे कर देते हैं 15yz भी योर आंसर। यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है सेम एज इट इज करके, यहाँ पे माइनस वाला लग गया फॉर्मूला और लास्ट में आपने क्या कर देना है स्केलिंग वाली जो टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर देना है। ऐसे भी रहने तो गलत नहीं होगा आपका, एंड दिस विल बी योर आंसर।